लक्ष्मी जी के प्रादुर्भाव की कथा, समुद्र मंथन और अमृत की प्राप्ति। भीष्म जी ने कहा, मुनि मैंने तो सुना था लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई है, फिर आपने यह कैसे कहा कि वे भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई? पुलस्त जी बोले, राजन तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है, यह बात मैंने भी ब्रह्मा जी के मुख से सुन रखी है। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ ले क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए और भगवान वसुदेव को संबोधित करके बोले, हे विष्णु शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर की अपूर्व अवस्था देखकर कहा, देवगण मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बतलाता हूं उसे तुम लोग करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंद्राचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। देव दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंद्राचल को मथानी एवं वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर हो गए और दैत्यों को उन्होंने वासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। भीष्म जी, वासुकी के मुख की सांस तथा विषाग्नि से झुलस जाने के कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी कक्षप रूपधारी श्री विष्णु भगवान के पीठ पर खड़े हो अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंद्राचल को पकड़े हुए थे तथा स्वयं भगवान श्रीहरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित थे। वे मंद्राचल को अपनी पीठ पर लिए डूबने से बचाते थे। तदंतर जब देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया तब पहले पहल उससे देव पूजित सुरभि यानी कामधेनु का आविर्भाव हुआ जो घी दूध की उत्पत्ति का स्थान मानी गई है। तत्पश्चात वारुणी यानी मदिरा देवी प्रकट हुई जिसके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती चलती थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरों के पास जाकर बोली, दानवों मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूं, तुम मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद पुनः मंथन आरंभ होने पर कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। तदंतर 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई जो देवता और दानवों की शाम्य रूप से भोग्या है। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः मैंने इन्हें ले लिया।
ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उससे देवता और दानव सबको बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेव जी ने स्वेच्छा से उस विष को लेकर पी लिया। उसके पीने से उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए उस विष का जो अंश पीने से बच गया था, उसे सर्पों ने ग्रहण कर लिया। तदंतर अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडलो लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैद्य राज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्छे स्रवा घोड़ा और ऐरावत नामक हाथी, ये दोनों क्रमशः प्रकट हुए। इसके पश्चात क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथ में कमल लिए थी। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्तवन किया। साक्षात क्षीर समुद्र ने दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा जी ने उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र आदि देवता तथा विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें। मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे आप पर मैं बहुत संतुष्ट हूं। यों कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, हे देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ, मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते देखते श्री हरि के वच स्थल में चली गई और भगवान से बोली, देव, आप कभी मेरा परित्याग ना करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वच स्थल में निवास करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी से परित्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झटपट धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब विष्णु ने माया से सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर कहा, यह अमृत का कमंडलो मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया और स्वयं उसका मुंह ताकने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। यह देख दैत्यगण भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली और कितने ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंद मग्न हो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। तब से सूर्य देव की प्रभा स्वच्छ हो गई। वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त हो प्रज्वलित होने लगे तथा सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न रहने लगा। भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई। उस समय समस्त लोकों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव जी को नियत किया है। वे दोनों तुम्हारे योग क्षेम का निर्वाह करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं।
उपासना करने से ये दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदायक होंगे। यों कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। तत्पश्चात श्रीहरि और शंकर जी भी अपने अपने धाम बैकुंठ एवं कैलाश में जा पहुंचे। तदंतर देवराज इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करने लगे। महाभाग, इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। यद्यपि वे सनातनी देवी है, तो भी एक समय भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से भी उन्होंने जन्म ग्रहण किया था।